ओके सो गुड मॉर्निंग एवरी वन माई नेम इज़ एजाज़ एंड दिस इज़ tutor YouTube चैनल मैं यहाँ पे एक introductory वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दर एम appearing ऑन कैमरा मैं बहुत कैमरा शाई हूँ तो आई wanted टू शेयर my experiences with यू इन Canada इस तरह से कि आप थोड़ा रिलेट कर पाएँ ठीक है तो Uh, मेरा नाम एजाज है और uh, मैं मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूफिनलैंड एंड लेब्रेडॉर का स्टूडेंट हूँ कैनेडा आया हुआ हूँ एंड दिस इज़ माय सेकंड सेमेस्टर इन कैनेडा कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ आई हैव कंप्लीटेड माय फर्स्ट सेमेस्टर तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ एंड दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट दैट मैं कोशिश ये करूँगा कि आपके साथ जो जो मैंने चीज़ें फेस की हैं जाहिर सी बात है एक एक्सपीरियंस होता है वहाँ से ट्रैवल करने से ले कर यहाँ पर एडमिशन लेना यहाँ पर फैमिली के साथ आना और यहाँ पर रहना इन इट्स इट्स अ चैलेंज ठीक है तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी हो जाता है काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी कि अगर मुझे इस तरह की कोई गाइडेंस मिलती तो इट वुड हैव बीन एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर मी लेकिन क्योंकि एक लिमिटेड मटेरियल अवेलेबल है ऑन यूट्यूब दो काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो कि गाइड करते हैं नो डाउट अबाउट इट तो इट्स जस्ट अ हम्बल एफर्ट कि आपको अगर यहाँ पे आने से पहले कोई ऐसी बातें पता लग जाए कि विच विल हेल्प यू आउट इन योर जर्नी ऑफ कमिंग टू कैनेडा विद फैमिली और आपको वीज़ा प्रोसेस में या फिर मैं कोई लाइसेंस कंसल्टेंट नहीं हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई दैट लेकिन ये है कि मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकता हूँ एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ यहाँ पे सेंट जॉन्स में मैं रहता हूँ न्यूफिनलैंड के वेदर के हवाले से क्या अपडेट्स हैं यूनिवर्सिटी किस तरह की है क्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन में क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो इस तरह की जो सारी बातें हैं आई वुड लाइक टू शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू एंड दिस चैनल इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट दैट अभी मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ चैनल को काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था एंड प्रीवियसली मेरा मेरा कॉन्टेंट जो था वो काफ़ी मतलब इट वॉज ऑल इन इंग्लिश तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा ना जो सब कॉन्टिनेंट की ऑडियंस है या जो लोग हैं जिनके इंग्लिश कोई शायद इतना फोर्टे नहीं है इतनी स्ट्रॉग नहीं है तो उनके साथ अपना सारा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँ दूसरों के एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है बहुत ज़्यादा एंड इट्स माय बिलीफ कि अगर मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा तो आई एम रियली होप होपफुल कि आपको वो बहुत हेल्प करेगा मेरा ब्रीफ़ uh, बैकग्राउंड ये है कि मैंने पाकिस्तान में कमीशन पास की थी सी जिसको कहते हैं सिविल सर्वेंट था मैं वहाँ पर पाँच साल मैंने सर्व किया था इन द फेडरल गवर्नमेंट उसके बाद मैं प्रोविन्शल कमीशन पास की तो मैं फिर ऑफिसर था प्रोविशल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में लोग मुझसे काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं कि यार आप ये छोड़ के चले आए हैं या किस तरह से तो वो सारी सिचुएशन भी मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा कि मैं छोड़ के नहीं आया इट्स जस्ट दैट कि मैं स्टडी लीव पे आया हूँ यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस एक्सप्लोर कर रहा हूँ मेरी सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी आप लोग की डिफरेंट बहुत सिचुएशन uh, बहुत डिफरेंट हो सकती है तो इट्स uh, बेटर के डिस्कशन हो इट्स बैटर के मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज एंड हेल्प मिल सकती है उससे एंड इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ डूइंग योर एमबीए फ्रॉम ए फ्राम अब्रॉड या बाहर आना चाहते हैं तो अगर आप सिविल सर्वेंट हैं या गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में हैं इवन तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प आउट कर सकती हैं इन दिस प्रोसेस ठीक है तो दैट्स इट दिस इज़ जस्ट गोइंग टू बी एन इंट्रोडक्टरी वीडियो जो कि मैं आउट दिय डाल रहा हूँ इसको कोई मैं एडिटिंग नहीं करने वाला कुछ भी नहीं करने वाला अभी मैंने सीखी भी नहीं है आई हैल ट्राई एंड शेयर शेयर माई एक्सपीरियंस अपग्रेड माई स्किल्स ताकि मैं आपको बहुत बेहतर बहुत गाइड कर सकूँ तो सो फार आई थिंक दिस इज़ मच इट तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू